सवाल पूछ रहा है पायल ने। पायल पूछ रही है कि ओरिएंटेशन प्रोसेस में वो किन किन टॉपिक्स को कवर कर सकती हैं। पायल, अगर आप ओरिएंटेशन लेती हैं तो 6 टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही करना है, भूलिएगा मत। सबसे पहला टॉपिक है एम्प्लॉय पॉलिसीज, सेकेंड टॉपिक है फैसिलिटी टूर, थर्ड टॉपिक है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड बेनिफिट्स, फोर्थ टॉपिक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस, फिफ्थ टॉपिक है डेली रूटीन, सिक्स्थ और फाइनल टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स एंड रेगुलेशन। बस इन्हीं 6 टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि ओरिएंटेशन में हमें ये 6 टॉपिक्स कवर क्यों करने हैं। एज एन ओरिएंटेशन मैनेजर आपको पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको ये 6 पॉइंट्स ओरिएंटेशन प्रोसेस में कवर इसलिए करने हैं क्योंकि ओरिएंटेशन का अपना एक मकसद होता है, ओरिएंटेशन का अपना एक पर्पस होता है, और उस पर्पस में आपको ध्यान देना है कि जितने भी इम्प्लॉइज आपके साथ उस ओरिएंटेशन में बैठे हैं उन्हें आपको सोशलाइज कराना है, उन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देनी है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें आपको बताना है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम इन वर्क एंड बिहेवियर्स, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके एम्प्लॉइज दे नीड टू फील वेलकम्ड, और ये तभी होगा जब आप इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप रेगुलर बेसिस पे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके सवालों के जवाब देती रहूंगी।